हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सोनू कुमार सिंह और मैं आपके सामने आज जो वीडियो लाने वाला हूँ वो है टॉप फाइव केमिकल कंपनीज ऑफ इंडिया। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। वी नो दैट द केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं, मतलब वो बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिंग सेक्टर ऑफ इंडिया में से एक हैं। आज उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद लगे तो कृपया करके इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं। सबसे नंबर वन जो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो है वो है, इसके जो प्रोडक्ट है वह एडहेसिव एंड केमिकल मेन प्रोडक्ट हैं जिस पे काम करता है। ऑनर आपको मालूम होगा मधुकर पारेख और रेवेन्यू $730 मिलियन जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप इनके स्टैट्स भी देख सकते हैं, मैंने स्टैट्स लगा दिए हैं इन रुपीज शेयर प्राइस के साथ में। फाउंडर वगैरह देख सकते हैं बलवंत पारेख। नंबर टू पे जो आपका कंपनी है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, टाटा केमिकल मेन टाटा ग्रुप का ही है, इसीलिए इसके पैरेंट टाटा ग्रुप हुए। और इसके रेवेन्यू आप जो देख रहे हैं 534 करोड़, नेट इनकम 2433 करोड़ 2018 का था। इसके प्लांट लोकेशन देख सकते हैं। नंबर थ्री है गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, एक भी एक बढ़िया कंपनी है। $3 बिलियन इनोक्स ग्रुप ऑफ कंपनी का एक पार्ट है, उसी ने इसको बनाया है, तो एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और काफ़ी रिनॉल्ड कंपनीज में से एक है। उसके बाद आपका आता है सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री जो है इंडिया में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसमें काफ़ी संभावनाएँ देखी जा रही है और एक बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। और नंबर फाइव जो जैसे बासफ इंडिया, वी नो दैट वासफ जो है वो मतलब बहुत ही रिनॉल्ड कंपनी, जर्मनी की एक कंपनी है, एग्रीकल्चर ऑटोमोटिव बहुत सारी चीज़ों में बनाती है। तो इसने इंडिया में अपना प्लांट लगाया और काफ़ी आगे जा रहा है एग्रीकल्चर ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट के।